वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया हनुमान और लक्ष्मण, जब श्री लंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया, कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं, सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं, राम रामाय नमः। एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है, राम रामाय नमः। सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका, राम रामाय सत्यमस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है, राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी मां के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वकदा रब्बुका ला तअबुदु इल्ला इय्या, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिलवालिदैन एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिलवालिदैन एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है, अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो, तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि यह कहा वबिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, यह एहसान है। एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरहतुहुमा उकिलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फिं वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो। ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, और मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं, बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो, कंप्यूटर बंद किया और गए पानी ला के दे दिया, अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो, उठे लाए दिया पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन ऊह जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाए तो तुम हूं भी नहीं करो। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम,
लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छुओ, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स अपने शोहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन बीवी भी अपने शोहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों ने अपने अपने मजाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान चीख कर ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूं, तुम उड़ते बैठते हो मैं भी उड़ता बैठता हूं, तुम शादी ब्याह करते हो मैंने भी शादी ब्याह की है, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हें बच्चे थे तुम्हारे बच्चे तुम मेरे भी बच्चे थे, तुम्हें बुखार आता है सर में दर्द होता है दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है सर में दर्द होता है दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है खुशी हमें भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम युहा इलैया, हाँ फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं, अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा बड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है, मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है, इस मकाम ने इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, गौर करिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह दूर देहात का रहने वाला अल्लाह के नबी के पास आया, लोगों ने उसको भेजा कि जाओ अपने गांव में ये परेशानी है अल्लाह के नबी से बयान करो, अल्लाह के नबी हमारी परेशानी को दूर करेंगे। वो अल्लाह के रसूल के पास आता है, अल्लाह के नबी को देखता है तो ऐसे कह नहीं पा रहा है, वो हमारे गांव में आवाज नहीं निकल रही है, जैसे अचानक मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो जी आवाज नहीं निकलेगी, डीएम के सामने खड़े आवाज नहीं निकलती, ऐसे ही वो साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, जी वो क्या, हाँ बोलो क्या परेशानी है, जी वो मेरे गांव में जी वो डर रहे हैं कांप रहे हैं, इतना रौब इतना दबदबा नबी के चेहरे पर कि वो कांप रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, मिसाल देखिए, देखा कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये हमसे डर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उनके दोनों कांधों को पकड़ा और पकड़ के हिलाया, अपने सीने से लगाया और कहा कि बोलो क्या बात है, इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीर, अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज देखिए, इन्नी लस्तु बिमलक, क्यों डरते हो मुझसे, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं बादशाह थोड़ी हूं, अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीर, अरे मैं भी तो ऐसी मां का बेटा हूं, मुझे भी तो उस माँ ने अपने पेट से बाहर निकाला, मुझे भी तो ऐसी माँ ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, ताकुलुल कदीद, जो सूखा गोश्त खाती थी। कदीद किसको कहते हैं आपको बता दूं, थोड़ा सा
थोड़ी देर और बैठ जाइए, कीमती बात मैं बताने जा रहा हूँ। ताकुलुल कदीर, अरब में क्या होता था, गोश्त, ऊँट 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 ज़िबा किया, ऊँट नहर किया, तो चार चार पाँच पाँच किलो गोश्त के टुकड़े ऐसी धूप में डाल देते थे लोग, धूप में, और नमक कमक लगा के, साल्ट वगैरह लगा के ऐसे ही उसको खुश्क कर लेते थे और उसको अपने घर में रखते थे। एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने के बाद गोश्त पकाने का दिल होता था तो उसी में से थोड़ा सा काटा और पका लिया, आधा किलो काटा और पका लिया, तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को नमक लगाकर और धूप में सुखाया जाता था और ये गोश्त खिलाया जाता था, छः छः महीने आठ आठ महीने चलता था। इसको बोलते कदीद अरबी जबान में। तो अनबनो अनबनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ये कहकर आपने उसका डर दूर किया, क्यों डरते हो, बिल्कुल नहीं। उसने तब सोचा, हाँ अल्लाह के रसूल भी तो मेरी तरह एक इंसान है, एक माँ के बेटे हैं। फिर उसने अपनी बात रखी। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संजीदगी कि आपने उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कहा, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था, गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का हिंदी अनुवाद किया है आसान हिंदी में, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, गौर कीजिएगा इन मंत्रों को जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर तुलसीदास जी ने संस्कृत का हिंदी अनुवाद आसान हिंदी में यूं किया है, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, जब तक तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, आपन मत सबका समझावे। अब एक एक चीज को देखिए, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, तुलसीदास जी कहते हैं आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा, आज मैं किसी न हिंदू की तरफ न मुसलमान की तरफ, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच सच है वही बताऊंगा। वे क्या, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, देश अरब भरग सत सत देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क अरब का शहर सितारे चांद की मानिन चमकेगा, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातें चमत्कार मौजजे दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी, मौजजे दिखलाने वाली चमत्कार दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा, आपन मत सबका समझावे, नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा, नरमी भी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा। अल्लाह के नबी ने नरमी भी की और सख्ती भी की, सख्ती की तो इतनी नरमी की, तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल जिसने तीर मारा था हिबार इब्ने अस्वद ने, और वो नबी अकरम की बेटी ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, वो पेट फट जाता है और अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला, पाए हजरत ज़ैनब को उठाया मदीने ले गए, लेकिन बच्चा जाय हो चुका था। ज़ैनब को जब होश आया और पता चला कि मेरे पेट का बच्चा जाय हो गया, तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ज़ैनब को दफना दिया। 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है और मक्के में ये मुजरिम जिसने ज़ैनब को तीर मारा था 10 साल के बाद जब सामने आता है और माफी मांगता है कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूं, तो अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए दुश्मन ज़ैनब, आए मेरी बेटी के कातिल, तूने मेरे उस फूल जैसी बेटी को जख्मी किया
उसका पेट फाड़ा, उसके पेट के बच्चे को जमीन पे गिराया, जिसका सदमा और रंज और गम ने मेरी बेटी को जिंदगी नहीं बख्शी, उसी रंज और गम में मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन मैंने आज तक किसी